दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने द गोल्डन स्लेटर डे यानी कि 26 जनवरी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ। ऐसे तथ्य जो आप लोगों से पढ़ने में रह जाते हैं या आप उनको पढ़ नहीं पाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। दोस्तों आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान 10:18 पर लागू हुआ। कितने मिनट पर लागू हुआ? 10:18 पर हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जो हमारे देश का संविधान जब बनाने की बात आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जानती थी कि इस देश में हजारों भाषाएं हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई संप्रदाय हैं, विविध भाषी लोग हैं, हिंदुस्तानी कभी अपना संविधान बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन 1935 में हमारे देश का जो संविधान बन के तैयार हो गया था। आज जो हमारे देश का संविधान है उसमें बहुत सारे उपबंध 1935 के संविधान से ही लिए गए हैं। दोस्तों संविधान सभा का निर्माण संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। इसमें प्रत्येक सदस्य जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था और प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करता था। जो हमारा संविधान सभा जो बनी इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश अधीन राज्यों से थे और 93 देसी रियासतों से थे। जब संविधान सभा की हमारी बैठक हुई तो हमारे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, दिल्ली स्थित चैम्बर काउंसिल में। दिल्ली स्थित चैम्बर काउंसिल में जो हमारी पहली बैठक हुई उसमें कांग्रेस के सबसे वयोवृद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने इसका अस्थाई अध्यक्ष बना दिया। लेकिन 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। हमारे देश को बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत की, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से बहुत सारी चीज़ों को निकाला। यही कारण है कि हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत बड़ा और विशाल है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जहाँ मात्र 7 अनुच्छेद हैं और सिर्फ 4000 शब्दों में ये अनुच्छेद बना हुआ है, संविधान बना हुआ है। इसके विपरीत इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, वहाँ का कानून नाम की चीज़ नहीं है, जो भी है वो प्रथाओं पर आधारित है। ऐसा पहले हुआ, इसके एविडेंस पे ही वहाँ पे सारे काम किए जाते हैं। संविधान सभा की प्रमुख जो महिलाएं थीं वो सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता थीं। 26 जनवरी 1950 को संविधान का जो प्रारूप था उसमें अंतिम रूप से संविधान सभा में संसद भवन में हस्ताक्षर किए गए और इसी दिन हमारे देश का राष्ट्रगान भी घोषित किया गया 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों जो हमारा संविधान है वो हस्तलिखित था, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। ये हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ हैं ये संसद भवन की लाइब्रेरी में एक हीलियम का बॉक्स है, उस बॉक्स में रखी हुई है। हमारे देश की जो एक दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी और देता हूँ कि जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें एक क्रिश्चियन गाना गाया जाता है और ये क्रिश्चियन गाना गाया जाता है अवॉइड विद मी के नाम से। जो क्रिश्चियन सॉन्ग है वो अवॉइड विद मी के नाम से गाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये गाना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बहुत पसंद था, इसलिए इस गाने को गाया जाता है। हमारी जो 26 जनवरी को जो हमारी परेडें होती हैं इसकी परंपरा 1955 से प्रारंभ हुई और गणतंत्र दिवस की परेड के जो मुख्य अतिथि जो हमारे पहले मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो थे। 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया इसके पीछे भी कारण है। हमारे देश का संविधान 24 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था, लेकिन 1929 को लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की मांग सबसे पहले की। उस दिन को याद करने के लिए, उस दिन को अमर बनाने के लिए हमने अपने देश का संविधान जो था वो आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया। दोस्तों ये जो हमारा संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल संविधान है। जय हिंद, वंदे मातरम।